station full of emotion. Radio Johnson. Radio Johnson. Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. Johnson, not just tiles, lifestyles. रेडियो जॉनसन में शिल्पी आपका फिर एक बार वेलकम करती है। दोस्तों, अच्छी कहानियां लोगों को मोटिवेट करती हैं। हम ऐसी कहानियों के साथ खुद ब खुद बहते चले जाते हैं, इसलिए रेडियो जॉनसन आपके लिए हर बार सजाता है कहानियों की महफिल अपने इस खास शो स्टोरी फाइल्स विद जॉनसन टाइल्स सीजन वन में। अब स्टोरीज की बात चली है तो बुलाते हैं आपके हमारे दोस्त जेटी को, जो हर बार लेकर आते हैं एक प्यारी सी कहानी। हेलो और नमस्ते, जेटी एक बार फिर हाजिर है नई कहानी के साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ जस्सी और हरमीत से मिलाने। दोस्तों, आज की कहानी है ये दाग अच्छे नहीं। जस्सी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, वो अपने फोन की स्क्रीन को पागलों की तरह देख रही थी, एक एक पिक्सल को एनलार्ज करके, और जो दिखा वो चाहती थी कि ये झूठ हो, पर सामने जो तस्वीर थी वो कुछ और कह रही थी। हरमीत मुझे धोखा कैसे दे सकता है? ये जरूर किसी की साजिश है हमारे रिश्ते को तोड़ने की, और फोटोग्राफ्स वो तो फोटोशॉप से बदलना आम बात हो चुकी है। हरमीत पर उसका यह भरोसा एक दिन या एक महीने वाला नहीं था। कई साल से दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों ने MBA एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई साथ में की थी, अपनी खुद की कंपनी प्लान की, ऑफिस के इंटीरियर का काम भी शुरू हो गया था, और ऑफिस रेडी होते साथ ही दोनों शादी करने वाले थे, और हाँ, दोनों के घर वाले भी तैयार थे। यानी फिलहाल इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय जो आज हुआ उसके। फोटो में साफ दिख रहा था हरमीत एक लड़की का हाथ थामे मुस्कुराते हुए सड़क पर चल रहा था। बैकग्राउंड में दुकान का साइनबोर्ड था, हिमाचल एम्पोरियम माल रोड मनाली। हरमीत तो लेकिन दिल्ली गया था एक पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए। जस्सी चकरा गई, बेचैन हो उठी, फिर उसने खुद को समझाया, अरे ये प्रैंक है या किसी चिढ़ने वाले की बदमाशी, मैं भी क्या फालतू में टेंशन ले रही हूं, ऐसे अजनबी मैसेज पर भरोसा करने से तो बेहतर है हरमीत से बात करना। जस्सी का दिल कह रहा था हरमीत से ये पूछना सही नहीं होगा, वहीं दिमाग कह रहा था कि जब कोई बात उठी है तो उसे क्लियर करना बेहतर है। इसी उधेड़ बुन में फाइनली उसने हरमीत को कॉल कर दिया और मिलने के लिए कहा। हरमीत तुरंत बोला, हां जी बिल्कुल जी, आप अपने प्यारे से ऑफिस में पहुंच जाओ, मैं वहीं आता हूं। जितने प्यार और गर्मजोशी से हरमीत ने जस्सी से बात की, उस पर शक करना जस्सी को बेवकूफी लग रहा था। करीब 40 मिनट के बाद हरमीत और जस्सी दोनों पंचकुला अपने नए ऑफिस पहुंच गए। मिलते ही हरमीत ने जस्सी को हग किया। जस्सी ने यूं ही नॉर्मली हरमीत से पूछा, कैसी रही दिल्ली की ट्रिप? वो हंसते हुए बोला, अच्छी थी जी, पर जस्सी जी को बहुत मिस किया। जस्सी को विश्वास होने लगा था कि जरूर उसके साथ किसी ने मजाक किया है। फिर भी जस्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताओ मिस्टर हरमीत, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हुए सोनीपत आता है? हां जी। पानीपत आता है? बिल्कुल जी। करनाल? ऑफ कोर्स, बट इतना क्यों पूछ रहे हो जस्सी जी, हम कितनी बार तो साथ में गए हैं बाई रोड। हाँ गए तो हैं, पर मनाली कभी नहीं आया बीच में हरमीत जी, इस बार कैसे आ गया? जस्सी के सवाल से हरमीत चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा जस्सी? हरमीत की हड़बड़ाहट से जस्सी को शौक लगा और फिर वो शक में तब्दील होने लगा। वो हरमीत के पास आई और आंखों में आंख डालकर बोली, सच सच बताओ तुम दिल्ली में थे या मनाली में? सी जस्सी, मीटिंग दिल्ली से मनाली शिफ्ट हो गई थी, तो क्या करता, तुम्हें मेरी मीटिंग में जाने से प्रॉब्लम है? हरमीत का गुस्सा और इरिटेशन विजिबल था, पर गुस्सा तो जस्सी को आना चाहिए था और आया भी। उसने सीधे कहा, मुझे तुम्हारे जाने से नहीं बल्कि ना बताने से प्रॉब्लम है। जस्सी की बात हरमीत को चुभ गई। हरमीत जस्सी पर लगभग भड़कते हुए बोला, यार अब मैं क्या तुम्हें एक एक मिनट की अपडेट दूंगा? कहा तो मीटिंग शिफ्ट हो गई थी, नहीं जाता तो क्लाइंट नाराज हो जाता,
ना नहीं कह पाया। हाँ, तुमको अपडेट नहीं किया, सॉरी। जस्सी बोली, क्लाइंट नाराज हो जाता या दोस्त नाराज हो जाती? वैसे नाम क्या है उसका? ये सब तुम क्या बोल रही हो? हरमीत की लड़खड़ाती जुबान जस्सी के शक को यकीन में बदल रही थी। उसने अपने मोबाइल में फोटो दिखाते हुए पूछा, पूजा नाम है ना इसका? फोटो देखकर हरमीत के होश उड़ गए। जस्सी के चेहरे पर बे इंतहा गुस्सा था, मगर उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में थी टूटन। हरमीत ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरने की कोशिश की, पर जस्सी दो कदम पीछे हट गई। कुछ पल दोनों खामोश थे। फिर हरमीत बोला, आई एम सॉरी यार, मुझे बता देना चाहिए था। दरअसल ये बिजनेस मीटिंग पूजा ने ही लाइन अप की थी, वो एक्चुअली मतलब तुम समझ रही हो ना। हरमीत झूठ बोल रहा था, जस्सी जान चुकी थी। तभी हरमीत ने चालाकी से टॉपिक को डाइवर्ट किया और जस्सी के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, अच्छा ये सब बातें छोड़ो ना, देखो हमने जो फ्लोरिंग और बाथरूम के टाइल सेलेक्ट किए थे ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम्हें पता है इन टाइल्स पर दाग धब्बे नहीं पड़ते, यानी कि ये स्टेन फ्री है। जस्सी ने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोली, सही कहा तुमने, दाग धब्बे कहीं अच्छे नहीं लगते, न फ्लोर पर, न दीवार पर और न किरदार पर। जस्सी भीगी आंखों से बस इतना ही कह पाई, हरमीत मुझे टाइल्स के साथ साथ अपना पार्टनर भी स्टेन फ्री चाहिए था, जो तुम नहीं हो, सो गुड बाय। एक प्यारा सा रिश्ता दाग धब्बों की बलि चढ़ गया। सही भी है, रिश्ते हो या घर, दाग कहीं अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, अपने रिश्तों के लिए स्टेन फ्री जरूर रहें। सही कहा जस्सी ने, दाग कहीं अच्छे नहीं लगते। खैर, किरदार के दाग तो हमें खुद ही संभालने पड़ते हैं, पर हाँ, फ्लोर और दीवार के लिए है जॉनसन की स्टेन फ्री टाइल्स। 60 से भी ज्यादा सालों से H&R जॉनसन देश की सबसे रेपुटेड कंपनी है दोस्तों, जो आपको ऑफर करती है 4000 से भी ज्यादा टाइल्स की रेंज। जहाँ जैसी जरूरत वहाँ वैसी टाइल्स। आप नजदीकी हाउस ऑफ जॉनसन में विजिट कर सकते हैं, जहाँ टाइल्स के अलावा आपको मिलेंगे बाथरूम फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर्स भी। यू कैन लॉग इन टू HRJohnsonIndia.com, जहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। रेडियो जॉनसन, स्टोरी फाइल्स विद जॉनसन टाइल्स, स्टोरी फाइल्स विद जॉनसन टाइल्स। जॉनसन, नॉट जस्ट टाइल्स, लाइफस्टाइल्स।